हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोशल। सो अभी मैंने देखी मैदान, एंड यू नो जब इस तरह की फिल्म्स आती है ना जहाँ पे एक रियल लाइफ स्टोरी को फिल्म के थ्रू दिखाया जाता है तो एक बहुत ही अलग सी फीलिंग आती है बिकॉज आप उस स्टोरी को रिलिव करने की कोशिश करते हो फिल्म देखते हुए। मैदान इज़ एक्चुअली बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी ऑफ इंडियन फुटबॉल टीम जिन्होंने 1962 के एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था। इस वीडियो में मैं एक सिनेमैटिक रिव्यू करूँगा जहाँ पे मैं सिर्फ सिनेमा के पॉइंट ऑफ व्यू से फिल्म को जज करूँगा। सो रिव्यू शुरू करते हैं। आज मैदान में उतरना क्या रहा, लेकिन दिखना एक। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा परफॉर्मेंसेस की। परफॉर्मेंसेस इस फिल्म में काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इफ आई से सो, बिकॉज अजय देवगन इस फिल्म के लीड हैं और जिस तरह से उनका कैरेक्टर है, उनकी जो पर्सनालिटी है, ही रियली यू नो टेक्स ओवर द स्क्रीन। जितने भी उनके सीन्स हैं, इट्स ओनली हिज सीन्स। आप उनको देखते हो और आप रियलाइज करते हो कि उनकी स्क्रीन प्रेजेंस कितनी स्ट्रांग है। एंड इट्स गुड टू सी अजय देवगन ट्राइंग समथिंग न्यू। मैं कहीं ना कहीं थक गया था वही फादर सेवियर वाले कैरेक्टर देख देख के जो उन्हें दृश्यम फिल्म से मिले हैं। सो इट वॉज गुड टू सी अजय देवगन प्लेइंग द रोल ऑफ अ कोच। इसके अलावा बात करूँ बाकी कैरेक्टर्स की, लाइक फुटबॉल प्लेयर्स, आई थिंक वहाँ पे भी कास्टिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ऑल द एक्टर्स शोन एज फुटबॉल प्लेयर्स वर एक्चुअली क्वाइट गुड। इसके अलावा गजराज राव, हु काइंड ऑफ प्लेज एज अ विलन, मुझे लगता है उनकी एक्टिंग बहुत ही बेसिक थी और काफ़ी टाइम तो बहुत ही मेलोड्रामेटिकली ओवर द टॉप थी। सो मुझे उनकी एक्टिंग तो कहीं से भी पसंद नहीं आई। इसके अलावा फिल्म में प्रियमणि भी हैं जो सैयद अब्दुल रहमान की वाइफ का रोल प्ले करती हैं। एंड ऑनेस्टली उनका जो रोल है वो काफ़ी यू नो हाफ हार्टेडली लिखा गया था। उनकी एक्टिंग परफॉर्मेंस भी काफ़ी रूटीन लगी मुझे तो। जिस तरह से उनके शॉट्स हैं आधी पिक्चर में तो सिर्फ रिएक्शंस हैं। बिकॉज स्पोर्ट्स फिल्म्स की प्रॉब्लम भी यही होती है कि बहुत सारे कैरेक्टर्स को सिर्फ मैचेस पे रिएक्ट करते हुए दिखाया जाता है और सेकेंड हाफ में उनका कैरेक्टर भी एक वही कैरेक्टर बन जाता है। सो ओवरऑल आई फील जो फिल्म की परफॉर्मेंसेस थी वो इतनी हाई लेवल पे मेरे लिए तो इम्प्रेसिव नहीं हो पाई। अजय देवगन इज गुड बट ही इज नॉट लाइक दैट ग्रेट इन द फिल्म। जब पीरियडिक फिल्म्स बनती हैं तो सिनेमाटोग्राफी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। स्पेशली यू नो अब पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा जिस तरह से इस फिल्म में दिखाया गया है तो फिल्म की कलर टोन भी बहुत ही लेस कॉन्ट्रास्ट की रखी गई है। उस टाइम पे यू नो इतना कलरस माहौल भी नहीं होता था, सो सिनेमाटोग्राफर ने ये चीज़ बहुत अच्छे से समझी है। इसके अलावा जिस तरह से फुटबॉल मैचेस दिखाए गए हैं, दैट इज ऑल्सो अ ट्रीट टू वॉच। इस तरह से हमने किसी भी इंडियन फिल्म में फुटबॉल मैचेस दिखाए ही नहीं है। सो सिनेमाटोग्राफी वाइज आई थिंक यू नो द फिल्म इज वेरी स्ट्रॉन्ग इन अप्रोच। अब मैं बात करूँ फिल्म के साउंड ट्रैक और बैकग्राउंड म्यूजिक की, तो मैदान इज नॉट अ फिल्म दैट हैज़ रियली कैची ट्रैक्स, बट कहीं ना कहीं इसके जो गाने हैं वो ओवर द टॉप जाके आपको यू नो अनॉय नहीं करते हैं। सो ओवरऑल द सॉन्ग्स वर गुड। एंड इसके अलावा जो बैकग्राउंड म्यूजिक है, दैट्स समथिंग आई नीड टू डिस्कस। सी फिल्म का जो टोन है उसके हिसाब से बैकग्राउंड म्यूजिक भी काफ़ी मेलो रखा जाता है। इट इज़ इंस्पिरेशनल बट इट इज़ नॉट ऑन योर फेस इंस्पिरेशनल बैकग्राउंड म्यूजिक। सो इसीलिए मुझे फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक भी पसंद आया। अब मैं बात करना चाहूँगा फिल्म डायरेक्शन की। अमित शर्मा इस फिल्म के डायरेक्टर हैं जिन्होंने तेवर और बधाई दो जैसी फिल्म्स बनाई हैं। मैं बहुत इंटरेस्टेड था इस फिल्म को देखने के लिए बिकॉज बधाई दो एक आइकॉनिक फिल्म थी जिसका प्लॉट भी काफ़ी यूनिक था। सो मैं देखना चाहता था जब सेम डायरेक्टर एक स्पोर्ट्स फिल्म बनाएगा तो उसमें क्या फ्रेशनेस आएगी। ऑनेस्टली मुझे कुछ ज़्यादा फ्रेश इस फिल्म में नहीं लगा। बहुत ही रूटीन तरह की स्टोरी टेलिंग थी और काफ़ी जगह तो बहुत क्लीशे भी हो जाती है। जहाँ पे मैं डायरेक्शन को क्रेडिट्स देना चाहूँगा कि जिस तरह से उन्होंने स्पोर्ट्स को दिखाया है, काफ़ी फिल्में ड्रामा और स्पोर्ट्स में फंस जाती हैं, बट कहीं ना कहीं मैदान का जो स्पोर्ट्स का नैरेटिव है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इस जगह मैं डेफिनेटली अमित शर्मा को कॉम्प्लीमेंट देना चाहूँगा बिकॉज जिस तरह से उन्होंने फुटबॉल सीन्स को डायरेक्ट किया है, इससे पता लगता है कि उन्होंने कितनी प्लानिंग से हर चीज़ दिखाई है। आप फुटबॉल मैचेस देखते हुए हर स्किल और हर प्लेयर की इंटेंसिटी को समझ पाते हो। एंड ऑनेस्टली यू नो दिस इज़ अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू अचीव व्हेन यू शो फुटबॉल इन अ फिल्म। इंडियन फिल्म्स में तो हमारे पास कोई कंपैरिजन करने के लिए है ही नहीं। आई थिंक दे धनाधन गोल थी बट आई थिंक दैट वॉज अ वेरी बेसिक अप्रोच टू शोइंग फुटबॉल। मैदान का जो अप्रोच है वो काफ़ी सुपीरियर है। एंड इसके अलावा फिल्म में ना एक मॉन्टाज भी, एक ट्रिब्यूट कह लो, एंड में आता है, उसने तो मुझे गूज़बम्स ही दे दिए। सो फिल्म मेकिंग वाइज फिल्म तब स्ट्रॉन्ग लगती है जब फुटबॉल की बात होती है, जब फुटबॉल मैचेस दिखाए जाते हैं। जब फिल्म के ड्रामेटिक्स दिखाए जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं बहुत रूटीन लगते हैं। ऐसा लगता है कि आप सिमिलर चीज़ें 10 और फिल्म्स में देख चुके हो।
अब मैं बात करना चाहूँगा फिल्म की राइटिंग की, जो बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट है। सी, फिल्म की राइटिंग मुझे बहुत जगह फ्लॉड लगी। जिस तरह से फिल्म के कैरेक्टर्स लिखे गए हैं वो एक ही टोन पे लिखे गए हैं। फिल्म अपने जिस तरह से पॉजिटिव कैरेक्टर्स को शो करती है वो बहुत ही सिंपथेटिक लेंस से उनको दिखाती है, और फिल्म जिस तरह से नेगेटिव कैरेक्टर्स दिखाती है ऐसा लगता है कि उनसे ज़्यादा ईवल कोई है ही नहीं। इसलिए मुझे लगता है कि जो फिल्म की राइटिंग है वो बहुत ही रूटीन थी और आउटडेटेड थी। मुझे ऐसे भी लगा कि जिस तरह से फिल्म के कैरेक्टर्स को दिखाया गया है वो बहुत ही सिंपथेटिक वे में दिखा रहे थे। ऐसे लग रहा था कि आपको बस इमोशनली मैनिपुलेट करना है उन कैरेक्टर्स को दिखा के। फॉर एग्जांपल, आप एक सीन आता है फिल्म में जहाँ पे कैरेक्टर के ना पट्टी लगी हुई है सर पे, ही इज अ फुटबॉल प्लेयर, और फुटबॉल मैच खेलते हुए अब उसको ही हेडर मारते हुए दिखाया कि उसको ही गोल करना पड़ेगा। इस तरह का मेलोड्रामा फिल्म में क्रिएट किया जाता है राइटिंग के थ्रू, एंड वी ऑल नो कि हम इससे ज़्यादा मैच्योर राइटिंग डिजर्व करते हैं। स्ट्रगल्स दिखाना ज़रूरी है, बट हर बात पे यू नो पोक करना कि देखो कितना स्ट्रगल किया, देखो कितनी मुश्किलें थी, आई थिंक दैट्स नॉट द राइट अप्रोच। इसके अलावा फिल्म अपने नेगेटिव कैरेक्टर्स को भी बहुत सुपरफिशियल वे में दिखाती है। गजराज राव इज द मेन विलन ऑफ द फिल्म इन अ वे, और उनको ना बार बार वही ताना मारने वाला विलन की हार के आ गए ये सब, पहले सीन से लेकर एंड तक उनका यही अप्रोच रहता है। फिल्म के राइटिंग फ्लॉज यहाँ पे ही खत्म नहीं होते। सैयद अब्दुल रहमान के कैरेक्टर को भी एक कोच की तरह दिखाया जाता है, और उनका बहुत लंबा टाइम पीरियड हमें फिल्म में देखने को मिलता है। लिटरली फिल्म 3 घंटे 7 मिनट की है, बट कभी भी हमें पता नहीं लगता कि वो सोचते किस तरह से हैं। What made him a great coach? हमें ये जरूर दिखाया जाता है कि उनके साथ क्या क्या गलत हुआ, बट कभी भी ये जस्टिफाई नहीं किया जाता कि what really, you know, pushed him to become a great coach. इसके अलावा फिल्म ना ज्यादा फोकस करने की कोशिश करती है कि वो किस तरह के स्मोकर थे। लिटरली 3 घंटे में हर सीन में ही स्मोकिंग, और पिछले आखिरी 2 घंटे में तो ही इज लाइक कॉफिंग इन एवरी सीन। मैं लिटरली अजय देवगन को बार बार खांसते हुए देख के थक गया था। वहां पे गोल हो रहा है और यहाँ पे वहां पे कोई रो रहा है, यहाँ पे सीरियसली मुझे ऐसा लगता है कि अगर पॉइंट ही प्रूव करना था कि ही इज नॉट वेल तो दे कुड हैव डन इट डिफरेंटली, बट बार बार मुझे ऐसा लग रहा है मेरे सपने में भी अजय देवगन खांसते हुए दिखाई देंगे मुझे। सो डेफिनेटली राइटिंग वाइज दिस फिल्म वॉज नॉट गुड। अब बात करते हैं फिल्म की रेटिंग की, मास ऑडियंस रेटिंग एंड सिनेफाइल ऑडियंस रेटिंग। इस फिल्म को मैं मास ऑडियंस रेटिंग दूंगा 3.5 stars। डेफिनेटली मासेस विल लाइक दिस फिल्म। आई डू फील इट कुड हैव बीन अ मच बेटर फिल्म, बट आई थिंक मासेस के लिए इतनी फिल्म भी बेटर है। सिनेफाइल रेटिंग में इस फिल्म को दूंगा 2.5 stars। डेफिनेटली कुछ चीज़ें इसमें बहुत न्यू थी और कुछ चीज़ें काफ़ी क्लीशेड और आउटडेटेड भी थी, बट ओवरऑल इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस। ऑल राइट देन, रिव्यू खत्म करते हैं। ये तो था मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन ऑन मैदान। आपका ओपिनियन मेरा ओपिनियन डिफरेंट भी हो सकता है, विच इज़ कम्प्लीटली हेल्दी एंड डेमोक्रेटिक। अगर आप मेरे ओपिनियन से अग्री करते हैं तो भी आप मुझे कमेंट्स में बताना, अगर आप डिसएग्री करते हैं तो भी आप मुझे कमेंट्स में बताना। लेट्स हैव अ सिनेमैटिक डिस्कोर्स अबाउट इट इन द कमेंट सेक्शन। इसके अलावा इफ यू कनेक्ट विद माई रिव्यूज यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड लेटरबॉक्स, जहाँ पे मैं सिनेमा के रिलेटेड चीज़ें पोस्ट करता रहता हूँ। सो अगर आप मेरे ओपिनियन से कनेक्ट करते हो तो प्लीज़ मुझे यहाँ भी आप फॉलो कर सकते हो। और देन आई सी यू इन द नेक्स्ट रिव्यू। बड़े मियाँ छोटे मियाँ देखने जा रहा हूँ मैं, फिंगर्स क्रॉस्ड कि फिल्म एंटरटेनिंग हो। और देन आई सी यू सून।